अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज स्टूडेंट आपके फिजिक्स का 12 तारीख 6 महीना 2024 को पेपर था साइंस मतलब कंप्यूटर साइंस वाले ग्रुप स्टूडेंट्स का। तो उनके MCQs को देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से MCQs ठीक हुए हैं। कोई ऐसे MCQs जो मुझसे गलती से गलत लग जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम क्या कर सकें, उसे वेरीफाई कर सकें। अदरवाइज तमाम MCQs के स्टूडेंट वेरीफाइड हैं, ठीक है। तो चलो आज देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से MCQ से लिखा हुआ। आई स्काई ड्राइवर फॉल थ्रू द एयर विद द टर्मिनल वेलोसिटी, द फोर्स एयर रेजिस्टेंस ऑन हिम इज, तो कितना होगा इसके ऊपर लिखा हुआ, हाफ ऑफ हिज वेट इक्वल टू हिज वेट, ट्वाइस ऑफ हिज वेट, या फिर जीरो। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इक्वल ऑफ इट्स वेट हाइट, ठीक है वेट। उसके लिखा था रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर इज, तो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास ये होता है ज़ीरो होता है, क्या होता है ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है उसकी जो वैल्यू है, सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट, कब वो मैक्सिमम होता है स्टूडेंट आपको ये बताना है, जब हमारे पास उसकी मीन पोजीशन पहुंच चुके होते हैं जब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज़ करेक्ट। उसके बाद लिखा हुआ है द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू, कहाँ स्टोर होता है, तो हमारे पास जिसका आंसर होगा वो क्या, 1/2 VACV का स्क्वायर, ठीक है। लिखा हुआ द फोर्स इज कॉल्ड एज सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स, कब सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स होता है, तो आपने ये बताना। तो इसका स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा, फ्रिक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद लिखा है द डायमेंशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम आर गिवन, एंगुलर मोमेंटम कौन सा है स्टूडेंट, तो हमारे पास ये सेकंड वन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इसको पूरे डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं। द कम्युनिकेशन चैनल डस नॉट कंसिस्ट ऑफ, कम्युनिकेशन चैनल क्या चीज़ कंसिस्ट नहीं करता, आपने ये बताना है, ठीक है। तो फोर्स फ्री स्पेस को कम्युनिकेशन चैनल नहीं करता, ठीक है। बॉडी सस्पेंडेड बाय द वेट स्केल, स्केल वेट 10 न्यूटन, आउट ऑफ वाटर 7 न्यूटन, व्हेन सबमर्ज इन वाटर दिस इज द बॉइंट फोर्स ऑन द बॉडी इज, तो कितना इसके अंदर हमारे पास फोर्स लगेगा आपने ये बताना है। तो हमारे पास ये हो जाएगा स्टूडेंट आई थिंक सो 7 न्यूटन, कितना हो जाएगा हमारे पास 7 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है इट इज़ द पेयर ऑफ एंगल अ प्रोजेक्टाइल विल ऑब्टेन द इक्वल हॉरिजेंटल रेंज फॉर द गिवन वेलोसिटी, स्टूडेंट थोड़ा सा ब्लर है ये, आपके पास तो सही होगा तो आपको सही से नजर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, थर्ड है, ठीक है सी। अ जेट इंजन प्लेन डिवेलप अ फॉरवर्ड फोर्स 2000 न्यूटन, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लाइंग एट 200 मीटर पर सेकेंड, द पावर ऑफ द इंजन विल बी, तो पावर ऑफ द इंजन हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, तो हमारे पास ये थर्ड वन इसका क्या होगा, 4 × 5 W, ठीक है ये होगा। अ मास स्प्रिंग ऑक्सीलेटर हैज अ टाइम पीरियड टी, इफ द मास इज डबल द टाइम पीरियड विल बी, तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या हो जाएगा, √2T, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अ चार्ज ऑफ 5 सेल्सियस इज मूव, सॉरी उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, सेल्सियस नहीं है, ठीक है। अ चार्ज ऑफ सी इज अ मूव फ्रॉम 1 पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन 100 जूल ऑफ वर्क इज डन बाई द फील्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट विल बी, तो इसके 2 पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट, 200 W होंगे, तो ये करेक्ट है, 200 W इज अ करेक्ट। उसके बाद हमारे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डस नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता आपने ये बताना है स्टूडेंट, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो ये करेक्ट है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द गिवन ऑप्शन हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो इसमें से कौन से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, तो स्टूडेंट हमारे पास होता है अल्ट्रा वॉयलेट वेव्स, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्टूडेंट जो कि हमारे पास होगा ये वाला, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इन द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल, तो हमारे पास क्या होगा इसका स्टूडेंट, हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो वेव फ्रंट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बीट दैट कैन बी हेयर्ड बाय द ह्यूमन, कितना बीट को इंसान सुन सकते हैं, तो 7 होता है, ठीक है। अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ मे बी मे हैव कांस्टेंट, क्या चीज़ कांस्टेंट होता है स्टूडेंट,
हमारे पास स्पीच इज अ कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज थे, आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए, ये आपके पास सवाल बन करके आया था, जो जो टारगेट पेपर में प्रोवाइड किए थे वो सवाल आपके बन करके आए थे, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने ईद का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।